गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? चार अक्षर के शब्द। मैंने आपको एचडब्ल्यू में क्या कार्य दिया था बताओ देखे जल्दी से? चार अक्षर के शब्द। कितने शब्द दिए थे आपको? पांच शब्द। तो आपने सबने कर लिए बेटा? वेरी गुड। मेरे प्रिय अभिभावकों से निवेदन है कि आपको क्या करना है, अध्यापक बनना है माता पिता के साथ, और आपको क्या करना है, बच्चों को कंप्लीट तैयारी करवानी है। आपको जितना भी मैं होमवर्क देती हूँ वो आपको बच्चों को करवाना है, और मेरे साथ साथ बच्चों को स्टडी करवानी है। तो बेटा हम आज क्या पढ़ेंगे? चार अक्षर के शब्द। तो आप पढ़ने के लिए तैयार हो बेटा? वेरी गुड। अब देखो अपना कुछ दो पैराग्राफ रह गए थे, अपने ये दो पैराग्राफ रह गए थे बेटा, जो मैंने आपको कहा था आप पढ़ना। तो आप पढ़े कि इन पैराग्राफ को कि नहीं पढ़े? जल्दी बताओ पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए इन शब्दों को? आप पढ़ के आए हो ना सब? वेरी गुड, बहुत ही शुभ बच्चे। अब देखो चित्र, देखो अभ्यास पढ़ के दिखो, देखे पढ़ो यहां से बोलो अ स ल म। पढ़ो अ स ल म। असलम ऊठ उठ ऊठ कर उठ कर क स र त कसरत क र कर अब गह र ब र हड़बड़ मत मत क र कर अ च क न अचकन प ह न पहन न ट ख ट नटखट म त मत ब न बन आ न व र। मैं किताब दिख रही बेटा आपको? बोलो अनवर प न गट पनगट प र पर च ल चल प न गट पनगट प र पर ब र त न बर्तन बर बर बरतन बर्तन भर भर कर कर घर घर चल चल बर्तन भर कर घर चल। तो बेटा अभ्यास कराया आपने, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आज हम क्या करेंगे? चित्र पहचान कर शब्द पूरा कीजिए। हमें क्या करना है? शब्दों को पहचान कर चित्रों को पूरा करना है। तो करो मेरे साथ, पाठ्यपुस्तक निकालो आप। चित्र पहचान कर शब्द पूरे कीजिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या चलेगा आपका? चित्र पहचान कर, चित्र पहचान कर शब्द पूरे कीजिए, शब्द पूरे कीजिए। अब देखो आपको क्या करना है। ये चित्र किसका दिख रहा है बताओ देगी मुझे? चित्र दिख रहा है आपको कटहल? किसका चित्र दिख रहा है आपको? कटहल। तो भरो अपनी किताब के अंदर, ये जो देर जगह छोड़ के वहां भरना है कटहल। ये रेड वाला अक्षर है ना बेटा, वो जो अपना डेज का छूट रखी है ना यहाँ पे देखो, उसमें बढ़ना है रेड वाला अक्षर। तो बढ़ो कटहल। आगे देखो शब्द क्या दे रखा आपको? उपवन। क्या बन गया? उपवन है ना बेटा। अब आगे देखो फिर क स र त, शब्द क्या बन गया आपका? कसरत। क्या बना शब्द आपका? कसरत। आपको क्या करना है? ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, वो इसके अंदर
भरना है। फिर देखो थर्मस, थर म स शब्द क्या बना आपका थर्मस। भरो देखे इसको। फिर है टम 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 क्या हो गया आपका शब्द टम टम। फिर आगे है पनगट प न ग ट शब्द क्या बना बेटा आपका पनगट। बोलो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर भरना है। जो रेड वाला दिख रहा है ना रेड वाला, ये रेड वाला अपनी पाठ्य पुस्तक में भरना है। बाकी अक्षर आपके भरे हुए हैं। इसको भरने के बाद आप क्या करोगे, इसको आप अपनी नोटबुक में भी उतारोगे। उतारोगे ना बेटा, ताकि अच्छे से पढ़ना आ जाए मेरे बेटे को। देखो बोलो क ट ह ल शब्द क्या है आपका क ट ह ल। पढ़ो इन शब्दों को देखिए। बोलो ऊ प व न, ऊ प व न उपवन। बोलो क स र त, पढ़ो इसको कसरत। बोलो थ र म स थर्मस, ट म ट म टम टम, प न ग ट पनगट। अगला क्वेश्चन चलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। शब्दों को ठीक क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। शब्दों को ठीक क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, अब देखो भर कर थर्मस रख, वाक्य क्या दे दिया हमें, उल्टा सीधा वाक्य दे दिया। हमें क्या करना है, उसको सही तरीके से जमाना है। भर कर थर्मस रख, भर कर थर्मस रख, शब्द क्या दे दिया हमें, उल्टा दे, भर कर थर्मस रखेंगे। हम क्या करेंगे, थर्मस भर कर रखेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, थर्मस भर कर रखेंगे। शब्द उल्टा दे दिया, हम इसे क्या करेंगे, सही करेंगे। तो थर्मस भर कर रख, थर्मस थर्मस भर भर कर कर रख रख। तो इसमें क्या जाएगा बेटा, थर्मस भर कर रख। अगला क्वेश्चन, चढ़ अब पर टमटम, चढ़ कब पर टमटम, पर टमटम। अब फिर उन्होंने क्या करा, शब्द को हमें उल्टा दे दिया है। हमें क्या करना है, शब्द को सही करना। अब टमटम पर चढ़, अब टमटम पर चढ़। ठीक है बेटा, पढ़ो देखिए इसको। ये वाक्य क्या, अक्षरों को ऊपर नीचे कर लिया है हमें पागल बनाने के लिए। लेकिन हम पागल नहीं है, हमें तो सही करना आता है। हम तो सही कर लेंगे ना बेटा, सही, वेरी गुड। हम तो सही कर लेंगे शब्दों को। आगे देखो, सर्कस चल अब, सर्कस सर्कस चल अब। क्या सर्कस चलेगा क्या कभी भाई, सर्कस चलेगा, सर्कस चल नहीं सकता। क्या लिखोगे, अब चल सर्कस, अब चल सर्कस, अब चल सर्कस। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, अब चल सर्कस। पहन झटपट अचकन अनबर, पहन
झटपट, अचकन, अचकन, अनबर। फिर अपन को वाक्य घुमा के दिया, हम तो सही करना जानते हैं, हम तो कर लेंगे, कैसे करेंगे? अनबर, अनबर, झटपट, अचकन, पेन। अनबन, अनबर, झटपट, अचकन, पहन। तो बेटा आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया? सबको बताओ, देखिए बेटा सबको समझ में आ गया ये वाला प्रश्न? किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया, वेरी गुड। अब देखो, शब्दों को ठीक कर्म में लिखकर वाक्य बनाना है। यानी शब्द हमें क्या दिए, इसको या दे दे, इसको या दे, उल्टे सीधे शब्दों को दे दिया है ना, ताकि हम सही करते रहे। तो हमें तो सही करना आता है, हमें तो दिक्कत ही नहीं सही करने में। देखो, बर, कर, थर्मस, रख। तो हमने क्या करा, थर्मस, बर, कर, रख, हमने सही कर लिया। चढ़ अब पर टमटम, अब टमटम पर चढ़। सर्कस चल कब, वाक्य गलत है, हमने सही कर लिया, अब चल सर्कस। पहन झटपट अचकन अनबर, हमने सही कर लिया, अनबर झटपट अचकन पहन। क्योंकि हमें जब वाक्य सही होगा तो ही उसका अर्थ निकलेगा बेटा, तो हमें वाक्य को सही करना आ गया है। आ गया क्या आपको? यस करो, देखिए एक बार, आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो यस करने की, सभी की आवाज आनी चाहिए यस करने की, करो यस। वेरी गुड, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आ रही है ना, वेरी गुड। अब हम अगला क्वेश्चन चलेगा आपका, ये हो गया बेटा सबका, जो मुझे धीरे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, चित्रों के स्थान पर उनका नाम लिखकर वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या चलेगा आपका? चित्रों के स्थान पर, चित्रों के स्थान पर उनका नाम लिखकर, उनका नाम लिखकर, उनका नाम लिखकर वाक्य फिर से लिखिए, वाक्य फिर से लिखिए। अब क्या दे दिया आपको? एक वाक्य दे दिया है और एक चित्र दे दिया है, तो आपको क्या करना है? उसको पूरा करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, जो अक्सर छूटा हुआ, मैं बताती हूँ आपको भी कैसे करना है। आप चित्र तो आप जानते ही हो, चित्र किसका बना हुआ है बेटा? सब बच्चे जानते हैं ना चित्र को, तो वेरी गुड, सब बच्चे जानते हैं। चित्र किसका बेटा? थर्मस का। किसका है? थर्मस, भर, कर, पकड़। अब हमें क्या करना है बेटा? वाक्य को पूरा लिखना है। तो ये क्या है, चित्र दे रखा ना, हमें चित्र को क्या करना है? शब्द में बदलना है वाक्य में। तो थर्मस, ये थर्मस ना, लिखो यहाँ पर थर्मस, थर्मस, कर, कर, पकड़। थर्मस भर आएगा बेटा, भर, थर्मस, भर, कर, पकड़। बेटा ये प्रश्न समझ में आ गया? यानी क्या करा इन्होंने, शब्दों को तो चुरा लिया,
अपने पास रख लिया और थर्मस को यहाँ पे रख दिया। तो हमें क्या करना है, हम तो इस चित्र को जानते हैं, थर्मस का चित्र बना हुआ है, तो हम तो थर्मस वहां पे लिख देंगे। तो क्या है, थर्मस भरकर पकड़, शब्द क्या आपका, थर्मस पकड़ कर पकड़। अगला चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर ख, उठकर, उठकर बालक क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है। तो अब लिखो आपको, इन्होंने क्या करा, शब्द को फिर चोरी कर लिया। इन्होंने क्या करा बेटा, शब्द को फिर चोरी कर लिया। बोलो उठकर, बालक क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है। उठकर कसरत कर, हमें चित्र की जगह क्या लिखना है, बालक कसरत कर रहा है, इसकी जगह क्या लिखना है, शब्द को लिखना है। तो लिखो बेटा उठकर, उठकर कसरत, कसरत कर, यानी हमने शब्द कौन सा पकड़ा था बेटा, कसरत। शब्द कौन सा था बेटा, कसरत। इसमें भी इसको सब पे अंडरलाइन मत करो बेटा, आप ऐसे करो इसको से इसी को अंडरलाइन करो, क्योंकि चित्र किसका था, थर्मस का था। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगी आपका, फिर दशरथ, दशरथ, दशरथ एक क्या दिख रहा है आपको, साफ। अब इसको क्या बोलेंगे हम, अजगर, क्या बोलेंगे, अजगर मत पकड़। तो हमें फिर वही कंडीशन अपने सामने, हमें क्या करना है, चित्र की जगह हमें क्या लिखना है बेटा, शब्द को लिखना है। तो बोलो दशरथ, दशरथ, दशरथ। अब ये किसका चित्र है, अजगर। तो लिखो अजगर, अजगर मत, मत पकड़, पकड़। तो हमने शब्द, इन्होंने शब्द को चोरी करके क्या बना दिया, चित्र बना दिया। लेकिन हमने ही चित्र को पहचान कर हमने क्या लिखा, अजगर। क्योंकि हम जानते हैं क्या है, अजगर है, और हमें अजगर लिखना आता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया आज का काम, वेरी गुड। तो आज आपको क्या करना है, अपनी एसी वाली पाठ्यपुस्तक निकालो। देखें सबने निकाल दी, अब देखो आपके दो अक्षर के शब्द हो चुके थे, सब क्या हो गए ना बेटा। अब आज आपको क्या करना है, तीन अक्षर के शब्दों को पढ़ना है। बोलो भगत, भगत, हवन, हवन, मटर, मटर, रबड़, रबड़। ये चार शब्द दे रखे हैं आपको, है ना। इन तीन अक्षर को शब्दों को, ये तो आपको इसके ऊपर ऊपर पेंसिल घुमानी है, फिर इन शब्दों को नीचे आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है बेटा, एच डब्ल्यू डालो, देखिए इसके ऊपर, या डालो एच डब्ल्यू, डाल दिया सबने एच डब्ल्यू। ये आपको क्या करना है, एच डब्ल्यू में कार्य आपको करना है। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद।